सूर्य नंबर 3 और आयत नंबर सूर्य निशा आयत नंबर 3 का हवाला दिया आपने, जिसमें बताया कि, और ये जो डिस्कशन चल रहा था वीडियो में उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगर स्क्रीन पे हम शेयर करें सूर्य निशा आयत नंबर 3, साहिल साहब आप कर देंगे या मैं करूँ? चलिए मैं करूँ, आप करिए ना, मैं डिनर कर रहा हूँ। शुक्रिया आप लोगों का। आप करिए, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा। जी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी जी हो गई है, दिख रहा है। ओके, इसमें ये बोला गया कि अगर तुम उनके, इफ यू फियर यू माइट फेल टू गिव ऑर्फन वुमेन देयर ड्यू राइट्स, इफ यू वर टू मैरी देम देन मैरी टू वुमेन ऑफ योर चॉइस, दो दो तीन तीन या चार चार, लेकिन अगर तुम इंसाफ ना कर सकोगे तो उनमें से तुम एक ही औरत पर इत्तफाक करो या बांदी पे जो तुम्हारे पास हो। ठीक है, अच्छा एक चीज पे मैं आपको गौर दिलाना चाहूंगा थोड़ा समझने के लिए कि यहाँ एंड नहीं आया है। ये अरबी में देखेंगे तो यहाँ और लिखा हुआ है। स्क्रीन पे अगर जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको देखें, जो भी मुस्लिम भी देख रहे हैं वो भी समझ लें थोड़ा सा, अगर उनको नहीं मालूम, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है वाफाहिदतुन औ मा मलकत अयमानुकुम, ये एंड नहीं है, ये है या तो एक पे बीवी पे इत्तफाक करो या बांधी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। अब आप बोलेंगे ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, तो मैं कुछ रिवायतें हदीस हैं इसकी मैं प्रेजेंट करता हूँ। ओके, मिलके यमीन और निकाह एक साथ हो गए, ये भी अगेन सारे मेरे रिवायत इमाम भाई है कि अगर ये स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो आप लोग, मैं पढ़ के बता देता हूँ, उर्दू सबको नहीं पढ़ना आती होगी, इसमें निकाह और मिलके यमीन इकट्ठे नहीं हो सकते। बाप बाना इमाम भाई यकीन है कि निकाह और मिलके यमीन इकट्ठे नहीं हो सकते। और इसमें वाक्य नसल क्या है, ये रिवायत हसन ले गैरी है, हसन जो एक्सेप्टेबल होती है, ले गैरी का मतलब ये होता है कि इस रिवायत में तो हसन के दर्जे को नहीं आ रही है, लेकिन इसकी रिवायत यही कंटेंट और रिवायतों से आके इसको तकवीर देता है, तो हेंस इट इज एक्सेप्टेबल। एनीवेज, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास एक औरत को लाया गया जिसने अपने गुलाम से शादी कर ली थी, गुलाम से शादी कर ली थी। औरत ने कहा कि क्या अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद नहीं फरमाया, औ मा मलकत अयमानुकुम, जो मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ के। हजरत उमर ने इन दोनों पर हद लगाई, दोनों पर हद लगाई, ठीक है, और इनके दरमियान तफरीक डाल दी और गवर्नरों की तरफ ये खत लिखा कि जो औरत भी अपने गुलाम से शादी करे, ठीक है, डायरेक्ट उसने ताल्लुक भी नहीं कायम किए थे, निकाह करके किए थे, या बगैर दलील के शादी करे, उस दोनों को हद नाफिज करो। तो हालांकि अगर इस पे लोग लॉजिकल देते हैं बहुत सारे लोग कि भाई ये तो औरत के मुतालिक है कि औरत नहीं कर सकती अपने गुलाम से, लेकिन मर्द तो कर सकता है, लेकिन उनको जवाब सीधा सीधा बहुत कर्रा जवाब जो स्कॉलर्स भी जो ये बात मानते हैं वो नहीं देते कि यहाँ इमाम बैहकी ने ये बात नहीं माना कि औरत का अपने गुलाम से निकाह करना, बल्कि जनरल बाप बांधा निकाह और मिल के यमीन इकट्ठे नहीं हो सकते, जनरल है। लेकिन चले जो लोग समझते हो समझ जाएंगे कि बाप जनरल बना गया है कि अगर आपके पास आजाद औरत है से निकाह किया है तो मिलके यमीन से आप निकाह ना करें, ये मना है। इसीलिए कुरान की आयतों में जहां भी ये होगा कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो मिलके जो बीवियों से या मिलके नमीन से, या का अल्फाज होंगे, ठीक है, और या तो ये और कई मतलब होते हैं। इसके अलावा और भी रिवायतें बताते हैं जो, ठीक है, उसमें यह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब के पास एक औरत को लाया गया, ये वही किस्सा है जो दोबारा आ गया, जिसने अपने गुलाम से शादी कर ली थी। अभी ध्यान रखें इसको ऑलरेडी एक शोहर भी था, इसको सजा दी और इन दोनों के कर दी, और इसको सजा देने के लिए इस पर खाविन को हराम कर दिया, जो पहले से इसका खाविन था उसको तो अलहदा कर दिया, और इसको इन दोनों को सजा दी और तीनों को बेच के लिए अलहदा कर दिया, इनकी निकाह थी। तो ये वाली बात होगी, ठीक यार, ये आप कैसी अच्छी अच्छी बातें लेके आ रहे हैं।